प्रेशर खासतौर से एशियन मार्केट्स में खासा सेलिंग प्रेशर कॉस्टी करीब एक ती परसेंट नीचे निके जो कि डेवलप्ड मार्केट्स में आ, है ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर हैंग से डेढ़ परसेंट नीचे वो इवन उसके बाद भी स्टिमुलस के बाद भी कुछ खास मूव आ नहीं रहा है वहां पर उनकी खुद की मार्केट पर्स पड़ी है और बाकी सारी मार्केट भी आपकी स्क्रीन पर और इन सब का इंपैक्ट एस निफ्टी लेकिन एक ध्यान चीज ध्यान रखिए हम कले गिर गए थे हमने पहले ही शायद इसको प्रीएम्प्ट कर लिया था अपने ऑल टाइम हाई के करीब थोड़ा हमने एक कंसोलिडेशन दिखाया था और आज शायद चांसेस हैं कि डे डे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है उसको मार्केट होल्ड करे एस एक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि शायद थोड़ा सा गैप डाउन होगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए गैप डाउन देखते हैं कंटिन्यूस सेशन की जब तैयारी हो रही होगी प्री ओपन जब सेटल होगा तो किस तरह का मूड मॉल बनता है लेकिन इस बीच एक काम करा जाए आज के वो बेहतरीन स्पॉटलाइट लाइए जरा स्टिंग आज कौन से दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स स्टॉक आज थोड़े से मिड कैप स्टॉक्स लिए ओके okay. दोनों वैसे एफ एन ओ के स्टॉक्स हैं लेकिन आ, मतलब मिड कैप मतलब लार्जेस्ट मिड कैप्स कह लीजिए आप उनको hmm. सबसे पहले बात करेंगे हम दीपक नाइट की और एज़ यूजल चार्ट के साथ के साथ शुरुआत करेंगे दीपक नाइट के ये देखिए दीपक नाइट में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी उसके बाद एक वर्टिकल डिक्लाइन आया था उसके बाद एक फॉलो थ्रो डिक्लाइन आया था और यहाँ पर इसने चैनल पर सपोर्ट लिया इस चैनल पर इसने लोअर लेवल पर दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसने रिजेक्ट किया इस चैनल को अब ऑलमोस्ट तो अब कोशिश कर रहा है इस चैनल से बाहर आने की ऑलमोस्ट इस चैनल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है दीपक नाइट्राइट कल का मूव बहुत पॉजिटिव था दीपक नाइट्राइट का और एक और चीज़ दीपक नाइट्राइट के बारे में आ, एक तो ये इसका टेक्निकल चार्ट और ले आते हैं एक बार वो टेक्निकल चार्ट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए टेक्निकल चार्ट से ये बेसिकली क्या है ये बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको मैं समझा देता हूँ क्या है ये जो रेड लाइन है ये टू डे मूविंग एवरेज है ये जो आपका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसका कहते हैं टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज उसके बाद जो आप लाइनें देख रहे हैं ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ब्लू वाली लाइन जो है 20 डे मूविंग एवरेज है आप देखिए 50 डे मूविंग एवरेज कितनी शार्पली ऊपर जा रही है 20 डे मूविंग एवरेज कितनी शार्पली ऊपर जा रही है और 200 डे मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट है इसका मतलब क्या है वो जो आप अब उसको मैं टेक्स पॉइंटर से समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है सारे मूविंग एवरेज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है स्टॉक के साथ गोल्डन क्रॉस बनाने की तैयारी हो रही है गोल्डन क्रॉस क्या होता है जब 50 डे मूविंग एवरेज आपका चला जाता है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज जब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है उसको हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं उसकी तैयारी कर रहा है तीसरी चीज इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कंपेयर टू टूट सेक्टर आप इस स्टॉक का मूव देखिए चार परसेंट भागा है इस महीने ये स्टॉक जबकि एस आर एफ चार परसेंट नीचे है सेम सेक्टर से तो ये एक और आपको एक चीज बता रही है कि यहाँ पर एक आ, प, म, तो जैसे कहते हैं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है और एक चीज़ यहाँ पर पाँच हजार करोड़ का कैपैक्स अनाउंस किया था उन्होंने पिछले महीने जिसकी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन कर रहा था उसके बाद एक रैली आई थी फिर कंसोलिडेशन अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक ब्रेकआउट करने को तैयार है दूसरा जो हमारा स्पॉटलाइट है वो है जाइडस लाइफ हेल्थ केयर में अच्छा मोमेंटम है हमने सबने देखा फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है जाइडस लाइफ ये देखिए वो जो पोस्ट कोविड रैली थी उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी गिरा था लोअर लेवल पर सपोर्ट लिया अब उस चैनल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है ये देखिए एकदम इस लाइन पर लेकिन पिछली बार यहाँ से गिरा था, था तो इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इसमें दो डेवलपमेंट्स हुई पिछले एक महीने में पहली एक यू एस एफ डी से इनके एक पर ज़ीरो ऑब्ज़र्वेशन जो अहमदाबाद वाला इनका प्लांट है उसमें ज़ीरो ऑब्ज़र्वेशन आया वो एक पॉजिटिव खबर थी दूसरा पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत ही शानदार थे आ खासतौर से जो यू के सेल्स थे उसके बहुत ही शानदार थे वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ थी जैसे दूसरा मैंने जैसे बोला कि एक अहमदाबाद प्लांट को इनको अप्रूवल मिला ज़ीरो ऑब्जर्वेशन के साथ स्टॉक ट्रेड करता है करीब करीब इक्कीस टाइम्स वन ईयर फॉरवर्ड थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये दोनों स्टॉक्स बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है सिर्फ अच्छे लग रहे हैं हमको स्पॉटलाइट के हिसाब से इसके लिए हमने चुना है बहुत ही बढ़िया